हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको ग्रामर स्पोकन टोटल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मौका को जरूर मिस मत कीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी इसका फायदा उठा पाए, उस हम लोग को भी फायदा हो। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। जो बच्चे एग्जाम में अभी जैसे हाल फिलहाल में अभी एग्जाम होने वाले हैं फरवरी मार्च में, तो उसी के एग्जाम में जो बच्चे शामिल होंगे उन सारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो एकेडमिक बच्चे हैं, 11-12 वाले जो बच्चे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, तो मैट्रिक वाले, 11-12 वाले सारे बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो वो सारे बच्चे इस चैप्टर को बड़े गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप उसका यहाँ पर इनोवल टू या ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के संदर्भ में मैंने लास्ट वीडियो बना दिया था डिग्री से, तो अगर आपने वो वीडियो को मिस कर गया तो जाकर वहां पर पीछे से चेक कर लीजिए, देखिए और फायदा उठाइए। तो चलिए हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है रिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ा रहे हैं टू। किसको पढ़ा रहे हैं? टू, ठीक है। तो टू एक एडवर्ब है जो बहुत सारे बुक में अगर आप देखिएगा तो वहां पर चैप्टर का नाम दे देता है रिमूवल टू। एक्चुअली में रिमूवल का कोई मतलब नहीं, रिमूवल मींस होता है हटाना। तो हमें जो सेंटेंस में दिया रहेगा टू, उस टू को हम लोग हटा देंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये टू का होता क्या है। तो ये टू एक एडवर्ब है। टू एक क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि आपको पता है कि एडवर्ब वैसे शब्द को कहते हैं जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और किसी अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो उन सारे शब्द को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर मैं एडजेक्टिव के पहले लगा रहेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब यहाँ पर प्रयोग रहेगा सेंटेंस में, तो हमको क्या करना है? उस सेंटेंस से टू को हटा देना है और टू को हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर ऐसे करना है कि उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब मीनिंग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी हम उसको बदल रहे हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मीनिंग में चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया, टू हट गया, बट उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आया। जो वो पहले कह रहा था मीनिंग, अंत में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मीनिंग क्या रहेगा? वही रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए एक बात आप याद रखेगा कि अगर इस टू के बाद अगर इन्फिनिटिव टू आता है ना, तो ये हमेशा निगेटिव मीनिंग रखता है। टू या फोर दोनों में से कोई आ सकता है, टू या फोर। अगर इन्फिनिटिव टू आ गया इस टू टी डबल ओ टू के बाद, तो इस टू के बाद अगर ये टू का प्रयोग होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो हमेशा क्या देगा? निगेटिव मीनिंग देगा। क्या देगा? निगेटिव, यानी किसी भी काम को करने में वो असमर्थ होगा। जिस काम की चर्चा कर रहा है उस काम को करने में वो व्यक्ति क्या होगा? असमर्थ होगा, अर्थात वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा है तो देख लीजिए क्या कहता है। ही इज टू वीक टू वॉक। वह टहलने में बहुत कमजोर है। गौर कीजिएगा क्या कह रहा है। He is too weak to walk। वो टहलने में बहुत कमजोर है। अब लीजिए क्या कहता है, वो टहलने में बहुत कमजोर है। अब नेगेटिव मीनिंग दे दिया, कहेगा इसमें नॉट नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस टू के बाद अगर ये टू आएगा तो वो हमेशा क्या देगा? नेगेटिव मीनिंग देगा। तो नेगेटिव मीनिंग दिया, नकारात्मक अर्थ दिया, असमर्थता प्रकट किया। तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो रूल्स हमारा क्या होता है चेंज करने का, सो गौर कीजिएगा। इस सब्जेक्ट में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये सब्जेक्ट अपने जगह कांस्टेंट रहेगा, अपने जगह रह जाएगा। जब सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा तो वर्ब भी नहीं चेंज होगा, ये भी रह जाएगा। और इस टू को हम लोग बदल देते हैं सो में। ध्यान रखिएगा इस टू को हम लोग कहां बदलेंगे? सो में। और ये एडजेक्टिव अपने जगह रह जाएगा, एडजेक्टिव में भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और इस टू को हम लोग बदल देते हैं दैट में। गौर कर लीजिएगा, इन्फिनिटिव टू को हम लोग कहां बदल देते हैं? दैट में बदल देते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यहां पर प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है? प्रोनाउन। जो यहां पर अब इस आगे वाले सेंटेंस का वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। प्रोनाउन हमको लगाना है किसके अकॉर्डिंग? यहाँ अगर प्रोनाउन ही है तो ही लिखाएगा, अगर कोई नाउन है राम मोहन सोहन गीता सीता बॉय स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोनाउन लगने वाला होगा उस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे।
अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहां पर आपको लग जाएगा कैन या कैन नॉट, क्या लग जाएगा कैन या कैन नॉट लग जाएगा। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो यहां पर लग जाएगा कौन सी कुड या कुड नॉट, है ना, क्या लग जाएगा कुड या कुड नॉट लग जाएगा। और लास्ट में ये जो एडजेक्टिव है वो लास्ट में आपको लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम आपको यहां पर सेंटेंस दे रहे हैं, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ही, उसके बाद क्या लिखा जाएगा इज, उसके बाद टू बदल जाएगा कहां सो में, वीक एडजेक्टिव अपने जगह कांस्टेंट रहेगा तो ही इज सो वीक, ये टू बदल जाएगा कहां दैट में, उसके बाद आपको क्या चाहिए प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन सी है ही काम किसका करेगा, तो ही ऑलरेडी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा लेकिन प्रोनाउन है तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, वो प्रोनाउन ही लिखा जाएगा तो ही रह जाएगा। उसके बाद अब यहां पर देखना है प्रेजेंट है या पास्ट, तो प्रेजेंट है तो कैन लगेगा। एक बात और याद रखेगा, अगर नॉट लगा रहेगा तो हम लोग बिना नॉट वाला लगाएंगे, नॉट नहीं लगा रहेगा तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे नॉट वाला यूज करेंगे। तो देखो इसमें नॉट नहीं है इसका मतलब प्रेजेंट में क्या लगेगा कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे ही कैन नॉट। अब जो लास्ट में जो है ना एडजेक्टिव या जो भी रहेगा वर्ब, उसको ज्यों का त्यों हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा वाक, ठीक है, वेरी सिंपल है। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं इसी पर रूल पर लिखते हैं, आप चेंज करके देखिएगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं राम इज टू स्ट्रॉन्ग टू बीट, ये कह रहा है कि राम इतना मजबूत है कि आप उसको पीट नहीं सकते हैं। देखो नेगेटिव नहीं दे दिया कि राम बहुत मजबूत है उसको पीटा नहीं जा सकता है, मैंने पहले ही बोला था कि असमर्थता प्रकट करेगा, तो यहां पर इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो राम अपने जगह रह जाएगा, राम में कोई चेंज नहीं आएगा, इज है तो इज लिखा जाएगा, नॉट नहीं है नहीं लिखेंगे, टू देखिए टू कहां बदल जाता है सो में, तो टू को हम लोग कहां बदल देंगे सो में, जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव को आप लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग, इस टू को आप कहां बदल दीजिएगा दैट में, उसके बाद हमको क्या करना है प्रोनाउन लगाना है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहां पर कौन सी है राम, तो राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या लगेगा ही लग जाएगा, तो ही लगा लेंगे। अब यहां पर एक उदाहरण मैं आपको गेस करके बता रहा हूं, लेट यहां पर आपको दिया हुआ है वाज, तो यहां भी वाज कर दीजिए वाज, तो वाज अगर दिया रहेगा ना ये पास्ट हो गया, तो पास्ट हो गया तो हमको कैन या कुड, तो नॉट नहीं है तो फिर कुड वाला प्रयोग करेंगे, तो क्या लग जाएगा कुड कुड नॉट, जो लास्ट वाला वर्ब है वो लास्ट में आप डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा कुड नॉट बीट। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को क्या करेंगे चेंज करेंगे, फिर हम इसी में थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं कि अगर नेक्स्ट रहेगा इससे अलग थोड़ा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर सेकेंड टाइप में देखते हैं, टाइप सेकेंड में इसे संदेश दिया हुआ है मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बीट, कहता है कि मोहन जो है ना मेरे लिए बहुत मजबूत है हम उसको पीट नहीं सकते, यानी मोहन इतना मजबूत है कि मैं उसको पीट नहीं सकता, यानी उसको देख लो जरा एक कॉमन सेंस लगाओ, पीटेगा कौन उसको, तो मेरे लिए मजबूत है मैं उसको नहीं पीट सकता हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट का इस बीट के लिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है मी, तो चेंज करते समय क्या करेंगे ये मोहन रह जाएगा, ये इज है वो इज लिखा जाएगा, टू बदल जाएगा सो में सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये फॉर तो हट जाता है, मैंने बोला था फॉर या टू दोनों रह सकता, तो फॉर हट जाएगा, उसके बाद इस टू के बदले क्या लग जाएगा दैट, फॉर टू के बदले क्या लग जाएगा दैट, सब्जेक्ट मोहन के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा ही, प्रेजेंट है तो यहां पर क्या लग जाएगा कैन नॉट, ठीक है, क्या लग जाएगा कैन नॉट। उसके बाद अब यहां पर जो हमको सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये मी जो है वही सब्जेक्ट का काम करेगा, अस रहेगा तो वी बन जाएगा, वी रहेगा टाई बदल जाएगा, ही रहेगा ही रहेगा तो ही बदल जाएगा, हर रहने पर सी में बदल जाएगा, तो यहां पर आपको मी है वो मी बदल को हम बदल देंगे कौन सी में आई में बदल देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई यहां पर मोहन के लिए नहीं बल्कि ये मैंने पहले बोला कि बीट का सब्जेक्ट कौन होगा मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई कैन नॉट, और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा बीट हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे यहां पर कहेंगे शीला इज टू हेवी फॉर
टू लिफ्ट, कहता है सीला उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी है, वो उसको उठा नहीं सकता। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सीला इज, टू बदल जाएगा सो में, तो सो हैवी, फोर हट जाएगा, अब यहां पर इस टू के बदले क्या हो जाता है दैट। अब जो हमको सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट यही काम कर जाएगा, तो हिम के लिए क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। यहाँ पर सीला के लिए नहीं लगाएंगे सिया ही, यहाँ पर उठाने का काम कौन करेगा हिम, यही पर सब्जेक्ट का काम कर जाएगा, तो ही हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में आएगा क्या लग जाएगा कैन नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा लिफ्ट। तो एक ऐसा रहेगा ये टाइप, एक एक इस टाइप का रहेगा। एक नेक्स्ट टाइप जो करता है टाइप नंबर थर्ड, वो देखिए किस टाइप का रहेगा, सेम इसी में थोड़ा सेंटेंसेस रहेगा चेंज। जैसे कहेगा मोहन इज टू हेवी फॉर मी, इतने पर छोड़ देगा। अब यहां पर ये इन्फिनिटी वर्ब देगा ही नहीं, फॉर के साथ जो है लगाएगा उसके बाद इन्फिनिटी वर्ब देगा ही नहीं, तो वहां पर चेंज का रूल क्या हो जाएगा। यहां पर मोहन है, मोहन लिखा जाएगा, इज रह जाएगा, टू बदल जाएगा कौन सी में सो में, और जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव को आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर के बदले ही आप दिमाग में रखो कि दैट में बदल जाता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोहन के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा ही, प्रेजेंट में है तो कैन या कैन नॉट, तो कैन नॉट। अब सॉरी फिर यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ही नहीं होगा क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ यहाँ पर मी दिया हुआ है ना, तो मी बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा आई कैन नॉट। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस थोड़ा हम लोग को दिमाग में क्या रखना होता है, यहाँ पर अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि मोहन इज टू हेवी फॉर मी, मोहन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेवी है, यानी मोहन हेवी है तो हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, तो उठा कर नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा जो मीनिंग होगा उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग स्वेच्छा से अपने मन से यहाँ पर हम लोग करते हैं, तब क्या होगा आई कैन नॉट लिफ्ट हिम। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, हम यहां पर कहेंगे सीता इज टू ब्यूटीफुल है ना फॉर राम, इतना ही देगा। सीता इज टू ब्यूटीफुल फॉर राम, सीता बहुत सुंदर है किसके लिए राम के लिए, यानी सीता इतना सुंदर है कि राम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, या राम मैंने जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब खुद से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीता है तो सीता रह जाएगी, इज टू बदल जाएगा सो में, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, फॉर बदल जाएगा कौन सी में दैट में, सब्जेक्ट का काम यहाँ पर राम कर रहा है तो राम खुद दिखाएगा, यहाँ जो नाउन देगा तो नाउन रहेगा, नाउन चेंज नहीं होगा। फिर प्रेजेंट में है तो क्या लग जाएगा कैन नॉट। अब मैंने क्या बोला सीता इतना सुंदर है कि राम उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अर्थ लगा देंगे दैट राम कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी सीता इतनी सुंदर है कि राम एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो जैसा अर्थ होगा उस अर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे चेंज कर लेते हैं, अपने मन से स्वेच्छा से भर इसमें हम लोग लगाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर तीन टाइप हमने देखा, अब हम लोग चौथा टाइप मैंने हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप वीडियो को बड़े आराम से बड़े शांति से देखिएगा, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो आप उसको फिर से पॉज करके पीछे जाकर उसको आराम से देखेंगे, पूरा देखेंगे, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन बना रहता है तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, फिर थोड़ा देखिए हम आपको फिर यहाँ पर मिलते हैं। चलिए तो हम लोग टाइप नंबर फोर पे आते हैं, टाइप नंबर फोर की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम आपको लिखते जाते हैं, गौर से देखते जाइएगा, जैसे दे रहा है द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट फॉर मी, ठीक है, द सन इज टू हॉट फॉर मी है ना, या फॉर मी नहीं चूंकि भर दीजिए, द सन इज टू हॉट टू
गो आउट, मतलब क्या हुआ, सूर्य इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। द सन इज टू हॉट टू हॉट टू गो आउट, सन इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। इस सेंटेंस में आपको क्या देखना होता है कि इसमें सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट स्वेच्छा से अपने मन से यहां पर लगाएंगे, क्योंकि सुन सन गर्म है, तो सन गर्म है तो सन बाहर तो नहीं जाएगा, जाने वाला तो कोई और व्यक्ति होगा, या तो मैं होगा या कोई और होगा। तो मी या अस हम लोग स्वेच्छा से अपने मन से इसमें जोड़ते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के लिए ही बात करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, यहां हो जाएगा द सन इज, द सन इज क्या हो जाएगा, टू बदल जाएगा कौन सी में, सो हॉट दैट। अब यहां पर हम लोग सब्जेक्ट चूंकि लगता सन के अकॉर्डिंग इट लगता, लेकिन सन तो खुद बाहर नहीं जाएगा, बाहर कौन जाएंगे, हम लोग जाएंगे। तो हम लोग अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, दैट वी आप प्रेजेंट है तो क्या लग जाएगा, कैन नॉट आप गो आउट, यानी सन इतना गर्म है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जैसे यहां पर एक और सेंटेंस देखिएगा, ऐसा देगा, द टी इज टू हॉट टू टेक, ऐसा देगा, द टी इज टू हॉट टू टेक, चाय इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। तो पिएगा कौन भाई, कोई ना कोई तो आदमी पिएगा, चाय गर्म है लेकिन पिएगा तो कोई आदमी। तो यहां पे क्या कहता है, चाय गर्म है कि कोई पी नहीं सकता, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट यानी मी या अस हम लोग वहां पर जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, द टी इज टू बदल जाएगा कहां, सो में, सो हॉट दैट। अब यहां पर स्वेच्छा से या तो मैं अपने लिए कर रहा हूं या सबके लिए कर रहा हूं, तो मी या अस यानी कि वी हो जाएगा। अस अगर लगाएंगे हम लोग के लिए तो वी लगा लेंगे, और मैं खुद के लिए बोलूंगा तब आई हो जाएगा, अगर मैं अपने लिए बोलूंगा तब यहां पर कह सकता हूं आई कैन नॉट टेक इट, यानी चाय इतना गर्म है कि हम लोग इसको नहीं, इट नहीं दिया हुआ, इट नहीं लगाएंगे, चाय इतना गर्म है कि हम लोग इसको पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हुआ चौथा। पांचवा, चूंकि मैं आपको क्लास में भी पढ़ाया था, छह टाइप का पढ़ाया था, मैं आपको छह टाइप का पूरे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जनरल में लोग सिजाई उससे दो बताया उसके बाद खत्म कर देता है, मैं आपको छह का छह टाइप बता रहा हूँ, छह टाइप आप उसको रिविजन कीजिएगा, एग्जाम में भी जाइएगा या कहीं भी जाइएगा, आपको कोई दिक्कत जीवन में नहीं होने वाला है। तो देखिएगा टाइप नंबर फाइव, टाइप नंबर फाइव में क्या कहता है, द टी इज टू हॉट। देख लीजिए दोनों सेंटेंस में अंतर है, यहां पर इन्फिनिटिव वर्ब दिया था, यहां पर इन्फिनिटिव वर्ब देगा ही नहीं, सीधा टू टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव और कहानी खत्म। तो ऐसे सेंटेंस रहेगा ना, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है कि अब थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या करते हैं, लिखाएगा द टी, गौर से देख लीजिएगा, द टी इज, अब जो टू को जो हम लोग सो में बदलते थे वो अब नहीं होगा, अब यहाँ पर टू बिल्कुल हट जाएगा, और जो एडजेक्टिव है वो बदल जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। गौर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर टू बिल्कुल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, और लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपैरेटिव के बाद देन लगता है, तो यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा, हॉटर देन। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में जाएगा वो आपको क्या करना है, या तो सब्जेक्ट के अनुसार से प्रोनाउन लगा दीजिएगा, और उसके बाद आप उसमें लगा दीजिएगा शुड या शुड बी, ठीक है, दोनों में से कोई लगा दीजिएगा शुड या शुड बी, या नहीं अगर आपको ये नहीं लगाने की इच्छा करता है तो आप यहां पर ये भी लगा सकते हैं इट इज प्रोपर, ये दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम चाय के लिए क्या लगाते हैं, इट का ही प्रयोग करते हैं, देन इट इज प्रॉपर, हो गया ये बन गया। क्या कह रहा है, द टी इज स्वाति टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, चाय को जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, यानी मतलब क्या हुआ, चाय बहुत ज्यादा गर्म है, मीनिंग तो सेम वही है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, एक और देखिए, हम आपको यहां पर बता दें, यही उस ऊपर वाले से ही ले लीजिए, द